भी अध्यक्ष और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो है ही पूरे प्रदेश के, लेकिन मूल निवासी हैं मेरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र। विष्णुधर शर्मा जी मंच पर आसीन, प्रदेश के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रहे हुए, प्रदेश के न थकने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे, जिनके साथ एक संबंध मेरा रहा है, जनसेवा के पथ पर अग्रसर होने के पहले और पिछले 20 साल से निरंतर रिश्ता रहा है। केंद्र सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे विधानसभा में जो हमारे दल का नेतृत्व करते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जिनका प्रदर्शन देखने का स्वतः मुझे सौभाग्य मिला जिस दिन मैं विधानसभा के दर्शाग्रह में गया था, आदरणीय गोपाल भार्गव जी हुए चेहरे, हमारे अपने नरोत्तम मिश्रा जी जिनको मैं 84 से जानता हूं, मंच पर आसीन मेरी आदरणीय, मेरी बुजुर्ग, मेरी बुआ, मेरी आत्या, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मंत्रीगण भूपेंद्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे अपने धार जिले के विक्रम वर्मा जी, दिल्ली से मेरे आए हुए भाई जफर इस्लाम साहेब, मेरे सामने बैठे हुए मेरी मामी माया सिंह जी, मुरैना के मेरे रुस्तम सिंह जी, भिंड के मेरे भागीरथ प्रसाद जी, धार की मेरी रंजना भगेल जी, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी, मेरे कुशल संचालनकर्ता बंशीलाल गुर्जर जी, संचालनकर्ता को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सही है कि नहीं?
और चाहे वर्तमान सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है, हमारा लक्ष्य जन सेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम के रूप में है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और अगर वो हमारा रास्ता है मेरे भाई और बहनों, तो मैं मानता हूं जिंदगी में कि हमारे लिए कुर्सी, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई चीज होना चाहिए तो वो केवल दो चीज होने चाहिए, एक सम्मान पहचान, और सम्मान और पहचान के साथ अगर आपके हृदय में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मान पाऊंगा। मनभेद नहीं होना चाहिए और विपक्ष में बैठकर भी मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी जैसा मेहनती, समर्पित और जनता के प्रति निछावर करने वाला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लेकिन कार्यकर्ता शायद बिरला हो इस प्रदेश में और इस देश में। अब जब कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आप तो आज ये कह रहे हो, क्या करूं मैं
झूठा हवाला कांड किया, उस समय क्या हुआ? और आज जब मैंने अतिथि विद्वानों की बात उठाई और किसानों की बात उठाई और मंदसौर में जो किसानों के ऊपर केस लगी थी उसको वापस लेने की बात उठाई, ¡Gracias!